जय श्री राम दोस्तों, सज्जनगढ़ के बाद अब हम आए हैं एकलिंग जी टेम्पल की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। हम जैसे ही मंदिर पहुंचे तो कोविड था, उन्होंने फोटो लेने के लिए मना कर दिया था। बाकी हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे से फोटो ले लिए थे, बाकी अंदर मेन फोटो नहीं लिया मंदिर के। तो एकलिंग जी के मंदिर को कैलाशपुरी भी कहते हैं और इसको बप्पा रावल ने बनवाया था। मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और इसके अंदर कई प्रकार की मूर्तियां हैं जो बहुत पुरानी हैं, बट उनको मुगलों ने कई बार तोड़ दिया गया, बट स्टिल वो वहां पे अच्छी हालत में हैं और हमारा इतिहास बताती है। इस शिवलिंग को काले संगमरमर से बनाया गया था और इनको बनवाने का काम महाराणा रायमल जी ने करा था। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं मंदिर के पीछे वाले एरिया में, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे भी बहुत ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर हैं जो हम देखते हैं आगे। मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे वो अपने आप को देवान मानते थे और एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा मानते थे और उनके अंडर अपना साम्राज्य चलाते थे। यहाँ पर हमें एक बहुत सुंदर मंदिर मिला जो ऐतिहासिक भी था। इसके अंदर शिवलिंग जो लगे हुए थे वो बहुत सुंदर थे। अगर आप भी महाकाल के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चलो हमारे साथ आगे। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक सुंदर नदी थी जो मेरा दोस्त उसकी एक अच्छी कहानी बता रहा था हम सबको। हम देख रहे थे नदी में, यहाँ एक नदी है, ये नदी एक नदी से कनेक्टेड है जो हम आगे जाने वाले हैं। आइए इधर, गांव वालों के अलावा कोई क्या ना, कौन आएगा पता ही नहीं है। पहले दर्शनार्थी आते थे तो मंदिर से रास्ता खुला था। अच्छा, फिर हम आ गए एक सुंदर सी जगह पे। यहाँ हम बैठे, मिर्ची बड़े खाए और एक मंदिर देखा जो हजारों साल पुराना है और जैनियों का मंदिर है। इसके बाद हमने यहाँ बैठा, फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी बताई कि यहाँ पे रात में 2 बजे एक आदि मानव आता है और यहाँ पे नाता धोता है और शिकार करके चले जाता है। ये हम थोड़ी देर बैठे, बातें करी, कॉलेज की याद करी ऐसे इन पल, फिर हम घर जाके सो गए। फिर शाम को उठे, वापस हमारा दिनचर्या स्टार्ट हुई। रात में हम निकले घूमने के लिए तो मेरे दोस्त मुझे गलियों में घुमा घुमा के परेशान करके फिर हम पहुँचे अमराई घाट। इस घाट पे इतनी शांति थी, इतना अच्छा व्यू था। हमने पुराने गाने लगाए, कॉलेज की बातें याद करी, इतनी सारी बातें याद करी, इतनी सारी मेमोरी थी। यहाँ पे जो पीस मिला हमें, आई थिंक उदयपुर का सबसे बेस्ट लोकेशन फॉर पीस मुझे यही लगी और मेरे दोस्तों को तो यही लगती है कि मुझे भी यही लगी। और यहाँ हमने बातें करी, मैं साउंड नहीं डाल सकता, कॉपीराइट आया। बाकी इमारत देख रहा था मैं दोस्तों साथ, ये कुछ होटल टाइप था, तभी ये एकदम फटाके फूटे और बारात थी गई। बारात का मैं साउंड तक आवाज़ नहीं आई, इतना पीस था भाई। जैसे फटाके फूटे सब घबरा के क्या हुआ। बाकी फिर व्यू, फटाके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमने गाने सुन लिए, हमने सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद थी बारी निकलने की, फिर हम निकले और फिर सबसे बढ़िया चीज़ पेट पूजा की। फिर हमने खाया मोमोज, हमने स्टीम भी खाया, हमने फ्राइड भी खाया। उसके बाद हमने खाया, इसके बाद हमने खाई चाइनीज़ बेल और मेरा फेवरेट मंचूरियन। तो अब अगले व्लॉग में मिलते हैं गाइस जल्दी। जब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और जल्दी जल्दी व्लॉग आते रहेंगे।